आज हमीरपुर जिला परिषद कार्यालय में चेयरमैन बबली की अध्यक्षता में त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया गया। बता दें कि इस बैठक में सभी जिला परिषद व वार्ड सदस्यों ने अपनी समस्याओं को जिला परिषद के सामने रखा। अलग पंचायत को एलोकेट हो जाता है और उससे दिक्कत आ रही है जिला परिषद सदस्यों को। मैडम क्या कैमरे की तरफ दिखाना आपने? इसमें वाकई दिक्कत आ रही है क्योंकि हम सिर्फ किसी और पंचायत के नाम पे डाल रहे हैं और वो जा रहा है किसी और पंचायत को। मेरी तरफ देखा वहाँ। इसमें प्रॉब्लम नेट की वजह से है और इसके बारे में हमने डिपार्टमेंट को लिख भी दिया है और इस समस्या को जल्द ही हल किया जाएगा। विशेष रूप से चर्चा रखी है आज की बैठक में बिजली विभाग और आईपीएच वालों की जाकर उन्हीं की कंप्लेंटें आई थी और अधिकारियों से उस बारे में पूछा भी गया और उन्होंने हमें ये बताया है कि जल्दी से 15 दिनों के अंदर जो भी हमारे जिला परिषद मेंबरों के क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हें हल करने की कोशिश की जाएगी और उन्हें आदेश दिए हैं कि 15 दिनों के अंदर उन्हें सॉल्व किया जाए। कब्जे हुए हैं उस कब्जे को हटाने में प्रशासन और जिला परिषद कामयाब नहीं हो पा रहा है लंबे समय से, उसको लेकर क्या आगामी तैयारी? उसके लिए मैंने डीसी महोदय से भी बात की है और उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिलाया है कि इस बारे में उनकी तरफ से जो भी हमें सहायता की जरूरत पड़ेगी वो हर तरफ से हमारी सहायता करेंगे और हम जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और जो भी वहां पे नाजायज कब्जे हैं उन्हें हटा दिया जाएगा और वहां पर जल्द ही जल्द कार्य स्टार्ट करवाया जाएगा। कितना है और क्या योजना थी, कब से काम चल रहा है, बड़ी देरी होगी इसमें? इसके लिए सवा एक करोड़। पंचायतों को चला गया है, ये प्रश्न उठाया जिला परिषद ने कि एक पंचायत से का पैसा दूसरी पंचायत में चला गया है, क्या कारण है? ये इसमें नेट की प्रॉब्लम है और इसके बारे में हमने अधिकारी विभाग को लिख भी दिया है और जल्द ही जल्द इसे हल किया जाएगा। जिला परिषद राज है, उन्होंने सवाल किया है, वो कह रहे हैं कि हमारा पैसा हमारी पंचायत का पैसा चोरी चला गया है। हाँ जी, तो क्या करेंगे इसके बारे में? उसे जल्द से जल्द, जो दूसरी पंचायतों में चला गया है उसे जल्द से जल्द वापिस मंगवा लिया जाएगा।